गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा एक विषय हिंदी व्याकरण पाठ 12 पर्यायवाची शब्द। आज हमारा पाठ है पर्यायवाची शब्द। आज हम पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जिनके शब्द अलग अलग होते हैं और अर्थ उनका एक निकलता है, उसे क्या है? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा, समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी जिनका एक समान अर्थ निकलता है, शब्द अलग अलग हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है, उसे क्या है? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम आप लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे पानी, पानी का क्या है? जल। नीर, पानी का अर्थ है जल, नीर। आंख का क्या होगा? नेत्र। नेत्र, नयन। चांद का होगा चंद्रमा। नरेश। बेटा, पुत्र। घर का है गृह, गृह भवन। भवन, तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। पानी का अर्थ क्या है? जल, नीर। इसका अर्थ, पानी का अर्थ जल और नीर। आंख का है नेत्र, नयन। चांद का है चंद्रमा, नरेश। पुत्र का है बेटा, पुत्र। घर का है गृह, भवन। पुत्र, बेटा, लड़का। पुत्र का अर्थ क्या है? बेटा और लड़का। बेटे का क्या है? बेटे को पुत्र कहते हैं और लड़के को भी क्या है? पुत्र ही कहते हैं। घर का है गृह, भवन। गृह को भी हम घर कहते हैं और भवन को क्या है? घर ही कहते हैं। इस प्रकार से, तो बच्चों इस प्रकार से ये पर्यायवाची शब्द के कुछ शब्द है यहाँ पे। तो शब्द इनके अलग अलग हैं, लेकिन क्या है? अर्थ इन सबका एक ही है। इस प्रकार से ये पर्यायवाची शब्द हैं और ये आपके बुक में भी हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आप लोग इसे घर में अपने बुक में पढ़ेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।